दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वैराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं मेरे और आपके इस दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अब हम बात करेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। वक्र तुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हम बात करेंगे गणपति महाराज की। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि 10 जनवरी हुए साल की शुरुआत 2023 और शुरुआत में ही हमें मिल रहे हैं गणपति महाराज के शुभ मुहूर्त और पूजा के दिन, यानी संकट चौथ। कहते हैं संकट चौथ हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत भी कई लोग रखते हैं, इसलिए वो इस चौथ का भी व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत नहीं भी रखते तो संकट चौथ का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो, अगर बच्चे की तरक्की नहीं हो रही तो, अगर बच्चा किसी मुसीबत में है तो, अगर बच्चे के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो भी, यानी कहीं ना कहीं हर जगह पर प्रॉफिट और फायदा होता हुआ ही दिखाई देगा अगर आप ये उपाय करते हैं। क्या? चंद्र उदय का पहले समय समझ लीजिए, क्योंकि चंद्रमा को देखकर ही भोजन करते हैं। 8:42 में रात्रि में चंद्रमा निकलेगा। गणेश जी की पूजा इसमें की जाती है। गणेश जी को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। तिल को बनाकर बूरा मिलाकर तिलकुट बनाया जाता है, गुड़ भी मिलाया जाता है उसमें। हम लकी हैं कि इस बार ये दिन जो बन रहा है 10 जनवरी मंगलवार है, क्योंकि मंगलवार भी एक तरीके से गणपति महाराज का दिन होता है। सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कहीं ना जाए साईं सुरवर को। तो आज आप गणपति महाराज को सिंदूर भी चढ़ाएंगे, अपने घर के दरवाजे पर आप आम के पत्ते लगाएंगे, आप द्वार गणेश की पूजा ज़रूर करेंगे। माघ मास में गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का जो ये व्रत है, इसमें इन्हें रोली मोली चंदन लाल सिंदूर हल्दी गणपति महाराज को अर्पण ज़रूर करेंगे। और ख़ासकर हल्दी अर्पण करने से वो बेहद ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने जब उन्हें बनाया था तो अपने शरीर से उतरी हुई हल्दी से ही बनाया था। तो जो माएँ आज गणपति महाराज को हल्दी की 9 गांठ अर्पण करती हैं और अपने बच्चे के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी परीक्षा के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके करियर के लिए कुछ भी मांगती हैं तो वो उन्हें ज़रूर मिलता है। कलावा, चावल, दूरवा, मोदक, लड्डू, मालपुहे और कपूर, दीप जलाना और जनेऊ ने अर्पण करना खासकर विशेष है। अगर अभी तक आपके घर में चांदी के गणपति महाराज नहीं है तो ज़रूर लेकर आएँ। कलश स्थापित किया जाता है, जैसे आपके बड़े आपको बताते हैं आपके घर के नियम हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसकी पूजा की जाती है, वैसे आप पूजा करें। गणेश चालीसा ज़रूर पढ़ें, व्रत ज़रूर रखें, दान करें, गाय की सेवा ज़रूर करें और संकट चतुर्थी की कथा ज़रूर सुनें। संतान प्राप्ति